बारातियों को खाना अवश्य खिलाया जाना चाहिए। बारातियों को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। ये सारे सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारे सेंटेंस बताऊंगी कि कैसे इस प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो और इसे अपने स्पोकन लेवल को इनक्रीज़ कर सकते हो ये सब सेंटेंस बनाकर। और इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप इजी वे में बना सकते हो अगर मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई तो। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके आधार पर आप ये सारे सेंटेंस को इजी वे में बना सकते हैं। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सारे सेंटेंस को बनाते हैं। इसकी आईडी होगी भर प्लस अवश्य या जाना चाहिए। आईडी है भर प्लस अवश्य या जाना चाहिए। ये एक पैसिव आईडी है। इसका स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ आपको। ऑब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस बी प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल इंग्लिश स्ट्रक्चर है जिसके आधार पर हम बहुत सारे ये स्पेशल सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले सेंटेंस को यहाँ पर बनाते हैं हम। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। दोषियों का इंग्लिश हुआ कल्प्रिट। कल्प्रिट इसके बाद मस्ट बी सजा दी जानी चाहिए। सजा दी जानी चाहिए उसका पनिश होता है पनिश का भी थ्री पनिश्ड। तो कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। बच्चों को तुम्हारे द्वारा अवश्य अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को तुम्हारे द्वारा अवश्य अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। तो बच्चों का चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट बाय यू। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट बाय यू। बच्चों को तुम्हारे द्वारा अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को तुम्हारे द्वारा अवश्य अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट बाई यू। बारातियों को खाना अवश्य खिलाया जाना चाहिए। बारातियों बारातियों का हो जाएगा प्रोसेजनर। इसके साथ ऐसा लगाएंगे प्रोसेजनर्स मस्ट बी खिलाना खाना खिलाना का होता है फीड। इसका भीतरी हो जाएगा फीडेड। प्रोसेजनर मस्ट बी फीडेड फूड। बारातियों को खाना अवश्य खिलाया जाना चाहिए। प्रोसेजनर मस्ट बी फीडेड फूड। और सेंटेंस लेकर बनाते हैं। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सारा सेंटेंस कितना इजी वे में मैं बना रही हूँ। यहाँ पर आप बहुत सारे सेंटेंस इस पर लेकर बना सकते हो। और ये सेंटेंस आप बनाते हुए आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस कितना ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार का सेंटेंस बनाना आपको लग रहा होगा कैसे बनेगा, बट इस स्पेशल स्ट्रक्चर से आप इजी वे में से बना सकते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस इस प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने 300 प्लस स्ट्रक्चर बता दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है एंड आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। तो सारा आप कंप्लीट करो ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। दिस वर्क यह काम मतलब दिस वर्क मस्ट बी डन। दिस वर्क मस्ट बी डन। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। इसे फिर से देखते हैं। दोषियों को अवश्य सजा दी जानी चाहिए। कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। बच्चों को तुम्हारे द्वारा अवश्य अंग्रेजी पढ़ाया जाना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट बाय यू। बारातियों को खाना अवश्य खिलाया जाना चाहिए। प्रोसेजनर्स मस्ट बी फीडेड फूड। यह काम अवश्य किया जाना चाहिए। दिस वर्क मस्ट बी डन। और आपको इजी वे में स्ट्रक्चर आईडी याद हो, स्ट्रक्चर आईडी याद रहेगी तो इस प्रकार का सेंटेंस आप इजी वे में बना सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। आगे वीडियो देखने के लिए और भी ज़्यादा अपने इंग्लिश को इंक्रीज़ करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर। बाय बाय।